सबसे बड़ी टिप के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको जो है वो फ्लिपकार्ट का ऐप यूज़ नहीं करना है गाइस। गाइस फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल बहुत जल्द लाइव होने वाली है एंड इस सेल में आपको सभी प्रोडक्ट्स पे भर भर के डिस्काउंट मिलता है। इवन जो आईफोन्स होते हैं वो काफ़ी चीपर प्राइस पे आपको देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आईफोन्स के साथ साथ आप जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको काफ़ी चीपर प्राइस पर बाई कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा यार, आईफोन की जो सेल आती है उसके 2 या 3 घंटे बाद आईफोन्स की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑलमोस्ट 4 to 5,000 रुपीज़ जो है वो उनकी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन सेल आने के 2 से 3 घंटे के अंदर जो है उनकी प्राइस सबसे कम प्राइस पे आपको मिलती है। तो आज मैं आपके साथ जो भी टिप्स शेयर करने वाला हूँ उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आईफोन्स को जो है वो काफ़ी चीपर प्राइस पे बाई कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और जो भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तभी आप वीडियो को लाइक करना, अदरवाइज यू कैन डिसलाइक द वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिप के बारे में बात करूँ तो आपको जो है वो फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप ज्वाइन करके रखना है। जी हाँ गाइस, आपको पता होगा फ्लिपकार्ट के जो प्लस मेंबर्स होते हैं उसके लिए आपको जो है वो सेल 24 आवर्स पहले देखने को मिलती है। जो बिग बिलियन डे सेल होती है या फिर अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल होती है, जो भी प्राइम मेंबर्स होते हैं या फिर प्लस मेंबर्स होते हैं उनके लिए 1 दिन पहले जो है वो सेल देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली अगर आपको सेल 1 दिन पहले मिलेगी तो आप जो है सबसे चीपर प्राइस पे आईफोन्स को बाय कर पाएंगे। तो फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप कंपलसरी है, उसको आप ज़रूर से ज्वाइन करके रखना। सेकंड टिप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अपने जो भी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है, बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स है वो HDFC का क्रेडिट कार्ड होने वाला है, एक्सिस का फ्लिपकार्ट को जो क्रेडिट कार्ड आता है वो, और साथ ही SBI का जो क्रेडिट कार्ड है, ये 3 क्रेडिट कार्ड जो है वो मेनली इस सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इन तीनों ही क्रेडिट कार्ड पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है और HDFC के साथ तो फ्लिपकार्ट का मतलब काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो उस पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है एंड SBI के ऊपर भी आपको देखने को मिलता है। तो ये 3 क्रेडिट कार्ड जो है उनकी डिटेल्स अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर से ऐड कर रखना पहले से ही, क्योंकि पेमेंट के टाइम पर जो है वो मतलब आप क्रेडिट कार्ड जब भी ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा आईफोन। तो ये प्लीज़ ध्यान में रखना, अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स जो है वो सबसे पहले ऐड करके रखना। तीसरी टिप के बारे में बात करूँ तो अपना जो एड्रेस है वो आप पहले से ही फिल करके रखना, जिस एड्रेस पे भी आपको शिपिंग करवानी है, जहाँ भी आपको अपना आईफोन ऑर्डर करवाना है, तो प्लीज़ वो पहले से ही आप ऐड करके रखना। तो गाइस चौथी और सबसे बड़ी टिप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है वो फ्लिपकार्ट का ऐप यूज़ नहीं करना है। गाइस अगर आप फ्लिपकार्ट का ऐप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर डिले चलता है और जब भी आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो वो पहले से ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपको जो है वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को ही यूज़ करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन यूज़ ऑन योर मोबाइल, अपने फ़ोन के अंदर जो है वो क्रोम ब्राउज़र ओपन करना और उसके अंदर जाकर जो है आप यूज़ कर सकते हैं फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है उसी से आपको बुक करना है, अपना आईफोन ऑर्डर करना है, अदरवाइज़ आपको शायद नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है, जो ऐप है वो थोड़ा सा डिले चलता है, तो पहले से काफ़ी लोग बैठे रहते हैं तो उस वेबसाइट से ऑटोमेटिकली वो करवा लेते हैं। तो ये ध्यान में रखना, आप जो है ये सबसे बड़ा टिप है, आपको एप्लीकेशन यूज़ नहीं करनी है, आपको जो है वो वेबसाइट से ही ऑर्डर करवाना है। फिफ्थ टिप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो है आपको मतलब ये शायद पता हो या ना हो, बट आपको जो है 30,000 से ऊपर के प्रोडक्ट पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो ये ध्यान में रखना, जब भी आप क्रेडिट कार्ड ऐड करके रखते हैं तो आपको पेमेंट क्रेडिट कार्ड से ही करनी है। उससे यार 2 बेनिफिट होते हैं, सबसे पहला कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा क्रेडिट कार्ड का, और दूसरा आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो फ्लिपकार्ट वालों की सर्विस मतलब इतनी बेकार हो जाती है बिग बिलियन डे सेल में कि वो आपके आईफोन्स को कैंसिल कर देते हैं, करने लग जाते हैं, क्योंकि यार उनके पास इतना स्टॉक नहीं रहता है तो जो है वो कैंसिल कर देते हैं, और जिन्होंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की होती है उनको ही वो ऑर्डर करते हैं, अदरवाइज़ वो आपका ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। तो ये ध्यान में रखना, 30,000 से ऊपर का कोई भी ऑर्डर हो तो आपको जो है वो पहले पेमेंट करनी है, कैश ऑन डिलीवरी उस पर अवेलेबल नहीं होने वाला है। गाइस सिक्स बड़े पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है उसको आप फास्ट रखने की कोशिश करना। इंटरनेट कनेक्शन जितना फास्ट होगा उतनी फास्ट आपकी वेबसाइट लोड होगी और उतनी जल्दी ही आप जो है वो उसको ऑर्डर कर पाएँ। और हाँ, सबसे लास्ट और सबसे मतलब फाइनल टिप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है जब भी मतलब सेल स्टार्ट होगी उससे 2 मिनट पहले आपको ये वेबसाइट खोल लेनी है फ्लिपकार्ट की, अपने लैपटॉप पे या फ़ोन पे, और उसको बार बार रिफ्रेश करते रहना है। उससे क्या होगा कि जब जैसे सेल स्टार्ट होगी आपको सारी डील्स सामने आ जाएंगी, आईफोन्स वगैरह पे जो भी डील्स होगी वो सब सामने आ जाएंगी, तो आप जल्दी से टैप करके एंड डायरेक्टली वहाँ से बाय कर लेना। ऐड टू कार्ट कर सकते हैं आप, बट मेरे हिसाब से मत करना,
डायरेक्टली बाई के ऑप्शन पे ओके करना और डिटेल्स वगैरह सारी आपकी फिल रहेगी, बस आपको CVV डालना है, कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है वो डालना है, OTP आएगा एंड डायरेक्टली आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको ज़रूर से फॉलो करनी है अगर आपको आईफोन वगैरह बाई करना है सबसे कम प्राइस पे, तो प्लीज़ इन टिप्स को फॉलो करें और प्लस मेंबरशिप जरूर से ज्वाइन कर लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गुड टेक केयर।